अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी फालन स्टार। तो क्या हाल चाल है गाइस, आज का गेम प्ले बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है और आप लोग जोर्जो पुल वाली फाइट बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ज़्यादा ओपी फाइट थी। और अब यहाँ पर मैं पुचंकी में लैंड कर रहा था और यहाँ पर तीन स्क्वाड आ चुके हैं और गाइस यहाँ पर ना तबाही होने वाली है। आपका भाई यहाँ पर AKM के ऊपर लैंड करता और फिर देखो अब यहाँ पर ये बंदा नॉक होके विंडो से बाहर गिर जाता है और मैं इसको छोड़ देता हूँ। जो मैंने फर्स्ट वाला बंदा नॉक किया होता है वो यार बड़े मज़े से ना रिवाइव हो रहा होता है, तो चलो यार उसको पकड़ते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं इनको लगे हाथ फिनिश कर देता हूँ और जो एंडी चचा को हमने विंडो में नॉक किया था उसका किल भी यहाँ पर मुझे मिल जाता है। और आप लोग यार वीडियो को लाइक कर देना, जल्दी से लाइक एम रखते हैं 300 का, तो प्लीज़ यार कंप्लीट करा देना। और अभी यहाँ पर 1v3 होने वाला है, मेरे ऊपर बंदे बहुत ही ज़बरदस्त पुश देने वाले हैं, तो गाइस वो फाइट मिस मत करना। यहाँ पर मुझे मैड किट मिल जाती है और लगे हाथ में मैड किट को यूज़ कर लेता हूँ। मैंने कहा यार इसको रख के क्या करना अगर मैं मर गया तो, कभी कभी हम 1 HP के ऊपर बच जाते हैं, तो हील हमेशा फुल रखो यार, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर मुझे बंदों की हेयरिंग आ रही थी और मैं वेट कर रहा था कि कोई मुझे स्पॉट हो जाए। ओ भाई, तो यहाँ पर मैं बार बार बच जाता हूँ और लगे हाथ इन बंदों को फिनिश कर देता हूँ, अपने किल जो है सिक्योर कर लेता हूँ। मैं नहीं चाहता वो पीछे वाले बंदे मेरे किल चुरा ले, वो अलग से टीम है 3 बंदों की और वो अभी मेरे ऊपर पुश देंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लोकेशन चेंज कर ली क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोकेशन चेंज करना, ख़ासकर जब आपके पास हीलिंग ना हो। तो जल्दी से यहाँ पर हीलिंग करते हैं और अब वेट करते हैं इन बंदों का हमारे ऊपर पुश करें। येल्ला माय फ्रेंड गो टू लोवी। तो गाइज आप लोगों को ये 1v3 कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बंदे क्या ही जानवरों की तरह खिड़कियों से कूद रहे थे, ऐसे कौन खेलता है भाई। तो यार आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए तो बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि मैं जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और भाई बहुत खुशी होगी मुझे अगर आप ऐसा करते हो तो। अब यहाँ पर मैं इनकी लूट उठाता हूँ और आगे जाकर मैं मर जाता हूँ, जोस्टिक ग्लिच हो जाता है मेरा। और आते हैं हमारे दूसरे हॉट ड्रॉप के ऊपर जोर्जो पुल में। तो गाइस यहाँ पर जो 1v6 होने वाला है ना शॉटगन के साथ, तो वो मिस मत करना, इसी का मैं आपको वेट करा रहा था अभी तक। अब इन कंटेनर पे दूर दूर तक मुझे गन नहीं दिखाई देती और बंदे मेरे सामने ही होते हैं और मैं यहाँ से भागी 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 गन की तलाश में। और अब मैं पबजी वालों को क्या ही बोलूँ यार, जोर्जो में एक गन तो डाल दिया करो, कम से कम पिस्टल ही डाल दिया करो यार। तो यहाँ पर मुझे गन नहीं मिलती, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होता होगा आई नो। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत लगेगी, गन मिल जाएगी। ओके, तो फाइनली यहाँ पर मुझे 2-2 शॉटगन मिल जाते हैं और अब आप लोग इन शॉटगन्स का कमाल देखो।
सो गाइस यहाँ पर ये दोनों बंदे तो मैं फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पर मेरी एचपी लो हो चुकी है और चार बंदों ने पीछे से पुश कर दिया हुआ है। और गाइस यहाँ पर जो मेरा टीममेट है बेचारा नॉक पड़ा है, तो अब मैं उसके ऊपर नहीं जा सकता। मेरे पास शॉटगन है, यहाँ पर मैं हीलिंग लगाई और मुझे इन बंदों की हेयरिंग आ रही थी यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर नेट ट्राई करता हूँ। यहाँ पर ये लोग मेरे टीममेट को शॉटगन के साथ फिनिश कर देते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख होता है, मैं अपने टीममेट को नहीं बचा पाता। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई ऐसा बदला लेगा ना भाई शॉटगन के साथ कि आपका दिल यहाँ पर खुश हो जाएगा। यहाँ पर दो बंदे कैंप करके बैठे थे अगले कंटेनर में। मेरा टीममेट बोलता है फॉल बैक कर ले, वेयर हाउस में जा और वहाँ पर क्लच मार। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, ऐसे कैसे यार, यहाँ पर पहले तो हम लेंगे बदला और फिर आगे की देखेंगे। और गाइस ये दोनों कैंप करके बैठे होते हैं और देखो आपका भाई इनको ना कैसे बिल से बाहर निकालता है। यहाँ पर मैं स्मोक कुक करता हूँ। ओ भाई साहब यार क्या ही फाइट थी। देखो गाइस यहाँ पर मुझे 6 किल मिल जाते हैं और मुझे नहीं पता होता मैंने कितने बंदे यहाँ पर नॉक कर दिए थे शॉटगन के साथ। पहली बार यार इतनी ओपी शॉटगन चलाई मैंने, तो इसी बात पे वीडियो को कर देना लाइक। और अभी यहाँ पर कुछ गलत सीन होने वाले हैं, वो देखो आप लोग। तो गाइज़ यहाँ पर मैं इनकी लूट उठाने आता हूँ, कहाँ कहाँ क्रेट पड़े होते हैं कुछ समझ ही नहीं आती। और यहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और बंदे पहले से टावर के ऊपर चढ़े होते हैं। यहाँ पर आप लोग देखो सो गाइस यहाँ पर मैं मौली से किसी तरह से बच जाता हूँ और ये बंदे ऊपर टावर पे मेरे ऊपर एम लेकर बैठे हैं। तो अब मैं यहाँ से निकलने की सोच रहा था और देखो गाइस यहाँ पर क्या सीन होने वाला है। ओके तो बूम गाइज यहाँ पर नेट मैंने देख लिया था, मैं भाग रहा था नेट से लेकिन काफ़ी ज़्यादा कुक था, टाइम नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा गेम प्ले एंड हो गया। तो मिलते हैं को नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार बांटो और खुश रहो।